और जो हजरत से मुलाकात हुई वो फोटो आखिरी में आ रही है, जरूर देखिए और दुआओं से नवाजिए आप भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मुअज्जम रज़ा, इस्तकबाल करता हूं आपका IER के चैनल पर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुअज्जम रज़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। इस्तकबाल करता हूं आपका, ये दूसरा ब्लॉग है। पहले ब्लॉग में तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और पर्पस बताया था, तो आज का ब्लॉग, असल में आज जुमा का दिन है। सबसे पहले आप तमाम को जुमा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जुमा के दिन मैं एक ख़ास आदमी से मिला, ख़ास शख्सियत से मिला, जो हैदराबाद के मशहूर आलिम दीन हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में, लहजे में खिताबत करते हैं। वो कौन है बाद में बताऊंगा आपको। पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब अगली बार हम वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह तो सबसे पहले आप देख सकेंगे। और वो हस्ती है जिसे, जिनका लकब है शान डक्कन, और हैदराबाद दक्कन के वो मशहूर आलिम दीन हैं जिन्हें अहमद नक्शबंदी साहब कहते हैं। वो कहीं जा रहे थे काम से अपने, तो मैं वहाँ था, तो मेरी मुलाकात हो गई और उनसे बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने दुआओं से नवाजा और उनके साथ मैंने फ़ोटो भी खींची। अब उनके सामने व्लॉग बनाना मैं अदब के ख़िलाफ़ समझा, मेरी हिम्मत नहीं हुई। खैर, इंशाल्लाह अगली बार कभी मौका बनेगा तो बनाएंगे, लेकिन इस वक्त तो मैं नहीं बना सका। और मैं जो फ़ोटो उनके साथ लिया हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और आप भी दुआ कीजिए कि हज़रत हमेशा ऐसे ही सुन्नियत का काम करते रहें हैदराबाद में और दीगर इलाकों में, दीगर शहरों में जिस तरह से खिताबत चलती है उनकी। दुआ करें कि ऐसे ही वो सुन्नियत का काम अंजाम देते रहें। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा एक दो दिन में ही एक नया ब्लॉग भी आएगा, तो ऐसे ब्लॉग हम लाते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा ज़्यादा बना सकूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगला व्लॉग आने वाला है, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।